1947 में वजूद में आया और अब 45 में वजीर आजम बना रही है। ये सर सैयद में खान है शायद, और ये रहमत अली जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रखा था। मारो मुझे, मारो मारो। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब? नहीं, फजलुर रहमान तो नहीं है, ये तो है मोहम्मद अली जौहर। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया। 1945 में पाकिस्तान, 45 में जी था। असल में ज्यादा देखते हैं तस्वीर कादिया की, नोट वगैरह इनके तो छपी नहीं हुई इसलिए। फनी वीडियोस के लिए हमारे चैनल शरारत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, शरारत टीवी के साथ मैं हूं निमरा उज़गुल। आज हम लोगों का जनरल नॉलेज चेक करने वाले हैं, और जब लोगों की बात आती है तो आपको हम कैसे भूल सकते हैं, आप तो हमारी फैमिली हैं। तो आपने भी सवाल का हमें जवाब देना कमेंट सेक्शन में लाजमी। सवाल है, 1945 में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन था? और साथ ही साथ इस फ्लैश कार्ड पे जो तस्वीर हैं इन शख्सियात को पहचानते हैं, तो उनके नाम भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना जनरल नॉलेज भी चेक करवाएं और इधर हम लोगों का भी चेक करते हैं। 1945 में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इन दोनों में से कौन था? ये 1900 इन दोनों नहीं, पाकिस्तान बना ही नहीं था। पहले आप गेस नहीं कर पाए थे? नहीं, मैंने सुना नहीं था सही तरह। तो बात 1945 में तो पाकिस्तान बना नहीं था, 47 में बना है। जी जी, तो इन दोनों में से इन दोनों के नाम बताएं। ये तो है मोहम्मद अली जौहर, तो इनका मुझे नहीं पता। लियाकत अली खान। कैसे एडवोकेट हैं, इतनी मुश्किल से आपको याद आया? मतलब आप पाकिस्तान के, पाकिस्तान में रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान में रहते हैं। आपके दोस्तों से कहते हैं आप सारे इनको उठा के पाकिस्तान से बाहर छोड़ आए, ये भूल गए थे? असल में ज्यादा देखते हैं तस्वीर कादिया की, नोट वगैरह इनके तो छपी नहीं हुई इसलिए। 1945 में पाकिस्तान का वजीर आजम कौन था? 1945 में तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था ही नहीं, क्योंकि 1947 में तो पाकिस्तान बना है। अच्छा, इन दोनों में, इन दोनों बंदों के आपको नाम पता है? एक तो दूसरा मुझे दिखाइएगा पर्सन। नहीं, इनका तो नहीं मुझे पता। ये मौलाना फजलुर रहमान? नहीं, फजलुर रहमान तो नहीं है। ये मतलब मुझे माइंड में आ तो रहा है लेकिन मुझे कंफर्मेशन नहीं हो रहा। कोई मौलाना है? मौलाना एक मौलाना है और दूसरे हमारे बड़े मशहूर हैं। अच्छा, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर हूँ। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, सॉरी मतलब मुझे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको आपके, आपने जो मुझे एक दिया हिंट उस हिसाब से मैंने बताया। तो मौलाना जफर अली खान भी हो सकते? कोई मौलाना है सही, लेकिन अब मुझे कंफर्म नहीं है कौन से मौलाना है। नहीं पता आपको? कंफर्म नहीं है। इतनी बड़ी पर्सनालिटी है ये पाकिस्तान की? नहीं सॉरी, मुझे माइंड में कंफर्म नहीं है। ये दोनों तस्वीर में से आपने देख के बताना है कि 1945 में पाकिस्तान का वजीर आजम कौन था। 1947 में वजूद में आया और अब 45 में वजीर आजम बना रही है। Got it! पकड़ लिया इन्होंने, फौरन से पकड़ लिया। ये तो बड़ी चीज़, बड़ा आप वैसे हाजिर दिमागी से आपने काम लिया। बस हम भी थोड़ा मैस्कॉम के स्टूडेंट हैं तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा बहुत अंदाजा है। अच्छा अच्छा, सोशल मीडिया ने थोड़ा एक्टिव किया हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए तो बड़ा बंदा एक्टिव हो जाता है। दोनों के नाम बताएंगे? वो हैं, ये तो मैं इस पे मतलब गैस नहीं करना चाहूँगा, गलत हो गया तो भी बुरा है। सो आप मैस्कॉम के स्टूडेंट हैं तो इतना तो पता होगा। तो मैं रहा नहीं जब मैं पढ़ा था, अब वैसे ऐसा कुछ याद नहीं है मुझे। ये लियाकत अली खान करेंगे? ऐसा कुछ याद नहीं है। कोई भी तुक्का लगा देखें। अब आप तुक्का लगवा के गलत करना चाहेंगी तो उससे बेटर नहीं है कि मैं गलत तुक्का लगाऊँ ही ना। पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी को तुक्का लगाने में माहिर के ऊपर ये चीज़ नहीं है कि आपको हर चीज़ आती हुई, हमारा नॉलेज इतना अच्छा हो गया हर चीज़ का। हाँ मैं कह रहा हूँ रखा हुआ है। एक छोटा सा सवाल है, बड़ा आसान सा, कि 1945 में इन दोनों में से कौन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था? कोई भी नहीं। कैसे कह सकते? पाकिस्तान बना नहीं था तब। गॉट, बिल्कुल सही, पाकिस्तान तब बना नहीं था। छोटा सा फिर एक और सवाल आपसे कर लेते हैं, इन दोनों के नाम बताएं। ये सर सैयद में खान है शायद, और ये रहमत अली जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रखा था। रहमत अली साहब? नहीं नहीं, ये लियाकत अली साहब। लियाकत अली खान साहब है। वेरी गुड, शुक्र है बच्चे ने सही टाइम पे गेस कर लिया। अच्छा नॉलेज, अच्छा क्या करते हो? मैं स्टूडेंट था अभी फ्री में। किस चीज़? बीएस टेक्नोलॉजी। अच्छा, बीएस टेक्नोलॉजी के लोगों को भी इस चीज़ का काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच।
इन दोनों तस्वीर में जो शख्सियात हैं पहचानते हो इनको? बताएं फिर ये कौन है? ये सैयद अहमद खान। अच्छा, और ये? ये लियाकत अली खान। वेरी गुड, आपका तो बड़ा जनरल नॉलेज बड़ा अच्छा है। अच्छा, तो ये बताएं कि 1945 में पाकिस्तान का पहला वजीर आजम कौन था? लियाकत अली खान साहब। लियाकत अली सोच लें, गवर्नर जनरल लियाकत अली। अच्छा, ये था मेरे ख्याल से यही है, लियाकत अली खान साहब। लियाकत अली खान जी। लॉक इसमें ये कौन सा प्राइस पॉइंट में? कोई लाइफलाइन यूज़ करना चाहेंगे जी? कौन सी लाइफलाइन? तो कोई नहीं, फिल वक्त मेरे ख्याल से पहला गवर्नर जो पहला वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब ही थी मेरे ख्याल। लियाकत अली खान साहब। अच्छा, आपके ख्याल में लियाकत अली खान साहब। 1945 में पाकिस्तान था? 1947 में थे। 1947 में जी, सॉरी वो गलती है, वो फिगर की गलती होगी। 1947 में पाकिस्तान बना था तो पहले गवर्नर जब जी जी। यही तो हम देखना था हमें कि आप कितने एक्टिव हैं। सॉरी, ठीक हो। चलें, थैंक यू सो मच। बड़ा आसान सा सवाल आपसे करने वाले हैं कि 1945 में इन दोनों शख्सियात में से कौन था पाकिस्तान का वज़ीर आज़म? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान साहब जी। ये नहीं थे ये वाले? लियाकत अली खान थे। लियाकत अली खान थे जी जी 1945 में जी। अच्छा, तो अच्छा इनका क्या नाम है? इनका खान। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो आपने बड़ी जल्दी गेस कर लिया। तो अब आप कह रही हैं कि 1945 में लियाकत अली खान साहब जो थे वो वज़ीर आज़म थे जी। सोच लें, यही कायदे आज़म के साथ थे ना, ये सब उनके साथ थे। हाँ जी। अच्छा, अगर आपका जवाब गलत हुआ तो आपकी ये बोतल मेरी। ठीक है, ले जाएं। और खाने पीने में क्या, ये तो बताएं, भूख बहुत लगी हुई। अभी आप भी पिकनिक मनाने आए हैं, हम भी आपके साथ पिकनिक मनाने लगे हैं। चलें, खाने में क्या है? कुछ भी नहीं, खाने में घर से खाना खा के आए हैं, होटल से। अच्छा, खा के आए, यानी कोई। अच्छा, 1945 में लियाकत अली खान साहब थे आपके कहने में? 1945 में पाकिस्तान था? 45 में जी था। अच्छा, तो कब बना था ये बताएं? 45 में नहीं था, 47 में बना जी। तो फिर 45 1947 को 45 में वज़ीर आज़म साहब कहाँ से है? नहीं थे ना। आपने अभी बोला कि लियाकत अली खान साहब थे। वो सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई थी इस वजह से। चले, थैंक यू सो मच। छोटा सा सवाल है आपसे कि 1945 में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था, ये या ये? इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं था? फिर कौन था? पता नहीं, पता सोचे थोड़ा सा नहीं। कि 1945 में कौन था प्राइम मिनिस्टर? ये तो दिखाना था सर सैयद है, ये और ये कौन है? सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद खान थे। लॉक कर दें, थोड़ा और सोचना नहीं चाहेंगे? नहीं, बस ठीक है। 1945 में पाकिस्तान था।